नमस्कार, मैं जनबक चौकीदार सुशील पुनिया। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को होने वाले मतदान की ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी और सातवें चरण की वोटिंग कल 19 मई को होनी है। इस चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा। बिहार की 8 सीटों पर मतदान सातवें चरण में 19 मई को होगा, तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें पर, पंजाब की सभी 13 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर, पश्चिमी बंगाल की 9 सीटों पर, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटें और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान इस अंतिम चरण में होने वाला है। पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी के गुंडों द्वारा हिंसा भड़काने पर समय से पहले ही चुनाव प्रचार प्रसार पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी, लेकिन अन्य सभी राज्यों में 17 मई शाम 5 बजे चुनावी प्रचार प्रसार है वो बंद हुआ है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार सातवें चरण की सभी 59 सीटों की अनुमानित ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर चुका है। पिछले 6 चरणों में जिस राजनीतिक दल का माहौल अच्छा रहा है, ज़्यादातर जनता आखिरी चरण में उसी दल के पक्ष में वोटिंग करती है, ऐसा कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। लगभग जो साइलेंट वोटर्स होते हैं, मतलब जो टाइम पर माहौल देख करके निकल अपना मतदान करते हैं, उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है, उसे साइलेंट वोटर्स कहते हैं। वो निश्चित रूप से माहौल देख कर ही मतदान करते हैं। अब अच्छे माहौल वाले राजनीतिक दल की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का माहौल 6 चरणों में बहुत ही अच्छा रहा है। इसलिए ये जो साइलेंट वोटर्स का जो मतदान है वो 100% नहीं तो कम से कम 80% मतदान है वो बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि वो माहौल देख के वोटिंग करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी के खाते में ये 80% वोट है वो साइलेंट वोटर्स के जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण के आधार पर मतदान हुआ है, लेकिन अन्य सभी राज्यों के मतदाताओं ने देश और उनके क्षेत्र के विकास को मुद्दा बनाकर मतदान किया है। मोदी सरकार के समय विकास ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और खूब विकास है वो देश में हुआ भी है। अब राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की महासर्वे के समीकरणों के अनुसार बिहार की 8 सीटों पर होने वाले मतदान के अनुमानित आंकड़े बिहार में नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बना रहे हैं। पटना साहिब में बीजेपी का कब्जा हो सकता है, तो वहीं नालंदा, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, काराकाट सहित बिहार की सभी सीटों पर बीजेपी और एनडीए के सहायक दलों का कब्जा हो सकता है। एनडीए का सहायक दल जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, वहाँ इन सभी सीटों पर दोनों का मिलकर के कब्जा है वो हो सकता है। कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता है वो नहीं खोल पाएगी बिहार के अंदर। यूपी की 13 सीटों में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं चुनावी मैदान में हैं और वाराणसी सीट पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा है। गोरखपुर, गाजीपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, रॉबर्ट्सगंज, चंदौली, बलिया, देवरिया, घोसी, सलेमपुर, बांसगांव की सीटों पर भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी की विजय होने वाली है, लेकिन मिर्जापुर में एनडीए सहायक अपना दल का कब्जा है वो होने वाला है। पश्चिमी बंगाल की 9 सीटों पर चर्चा करें तो कोलकाता दक्षिण पर बीजेपी का कब्जा है वो हो सकता है। डायमंड हार्बर पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भतीजा चुनावी मैदान में है। डायमंड हार्बर सीट है, सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच है वो कांटे की टक्कर है वो चल रही है। सट्टा बाजार ने ये सीट है वो टीएमसी के खाते में डाल दी है। जादवपुर, दमदम, बशीरहाट और मथुरापुर सीटों पर बीजेपी का कब्जा फिर से हो सकता है। 12 सीट पर टीएमसी और बीजेपी के बीच दिलचस्प नज़ारा है वो देखने वाला है। सट्टा बाजार ने 12 सीट टीएमसी के पक्ष में दे दी है। जयनगर सीट पर टीएमसी का एक तरफा कब्जा हो सकता है। पंजाब राज्य की बात करें तो सभी 13 सीटों पर सातवें चरण में मतदान होना है, यहाँ पर एक भी सीट पर मतदान अभी तक नहीं हुआ है 6 चरणों तक।
पंजाब में हाल ही में कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव से पूर्व किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का चुनावी कार्ड है वो खेला था, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित पंजाब में भी राहुल गांधी का वादा है वो झूठा निकला है, जिसके चलते पंजाब की जनता, खासकर जो किसान है, वो कांग्रेस, राहुल गांधी और अमरिंदर सरकार के प्रति उनमें रोष व्याप्त है। दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू की देश विरोधी गतिविधियों का भी पंजाब की जनता ने खूब विरोध किया है, वहाँ के युवाओं ने इसका खूब विरोध किया है। नवजोत सिंह सिद्धू का ये आग अभी पंजाब में बुझी नहीं थी कि राहुल गांधी का गुरु सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख दंगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी है वो कर दी। 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस का हाथ होने वाला, सिद्ध करने वाला बयान है वो पित्रोदा ने दिया, मतलब ऐसा बयान दिया कि हुआ तो हुआ, इससे हमें क्या है, मतलब कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब यही हुआ कि उस दंगों में जो 3000 लोग सिख समुदाय के लोग हैं वो इस दंगों में मारे गए थे, तो उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें वो 100% कांग्रेस का हाथ हो सकता है, ऐसा सिद्ध करने वाला बयान है वो सैम पित्रोदा ने दिया था। सैम पित्रोदा ने सिख समुदाय के लोगों के दिल को है वो ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया, जिसका पंजाब में खूब विरोध हुआ और राहुल गांधी के पुतले भी जलाए गए। इसी के चलते गुरदासपुर सीट से फिल्म अभिनेता सनी देओल है वो चुनावी मैदान में हैं, और वहाँ के युवाओं में सनी देओल की पकड़ है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए राष्ट्रीय सट्टा बाजार गुरदासपुर सीट है वो बीजेपी के खाते में पहले से ही एक तरफा डाल चुका है। वही आपको पता ही है, नलका पटने वाले डायलॉग वो बोल रहे हैं। और आज सुनने में ये भी आया है कि चुनाव आयोग ने उन्हें, सनी देओल जी को नोटिस भेजा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार बंद होने के बाद कोई सभा की थी उसके संबंध में कोई नोटिस भी उन्हें भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, फिरोजपुर, पटियाला, होशियारपुर सीटें सट्टा बाजार ने एक तरफा है वो भारतीय जनता पार्टी को दे दी है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के प्रति रोष है वो लोगों में बहुत ज़्यादा है। आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, संगरूर और खडूर साहिब सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा राष्ट्रीय सट्टा बाजार का मानना है। झारखंड की राजमहल सीट पर बीजेपी कब्जा करने वाली है, जबकि दुमका और गोड्डा सीट पर है वो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। चंडीगढ़ सीट पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है, चंडीगढ़ की सिर्फ एक ही सीट पर है वो चुनाव कल 7वें चरण में होने वाला है। मध्य प्रदेश की देवास, मंदसौर, रतलम, धार, खारगोने और इंदौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत है वो राष्ट्रीय सट्टा बाजार मान रहा है। मध्य प्रदेश के किसान भी राहुल गांधी के किसान कर्ज माफी वाले चुनावी कार्ड से परेशान हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार है, जिससे वहां की जनता परेशान हो चुकी है। खंडवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है और ये सीट बीजेपी के खाते में भी जा सकती है। उज्जैन सीट पर कांग्रेस कब्जा कर चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन वहां पर भी पंजाब और राजस्थान की तरह धोखा ही हुआ है किसानों के साथ, जिसका वहां की जनता और वहां के किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है वो व्याप्त है। और वैसे भी जो कांग्रेस सरकार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है, वो दो चार अन्य लोगों के जो MLA हैं, दो चार अन्य के हिसाब से बनी है, शायद तक 114 MLA उनके खुद के थे और 116 MLA चाहिए थे, 2 MLA हैं वो अन्य से लिए गए हैं, वो सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश की कंगरा, मंडी, हमीरपुर, शिमला, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, ऐसा सट्टा बाजार का मानना है। हिमाचल प्रदेश में इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। दोस्तों, 7वें चरण में इन 8 राज्यों के समीकरण पर आपको कितना भरोसा है और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जनता के माहौल पर कितना असर करने वाली है, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, साथ ही जो कल 7वें चरण का चुनाव होने वाला है, 8 राज्यों के अंदर आप अपने आस पड़ोस से
और आप खुद भी अगर आपने वोटिंग नहीं की और आपका सातवें चरण में मतदान करना है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा बम्पर वोटिंग है वो ज़रूर कराएं, अपने क्षेत्र से भी कराएं, अपने आस पड़ोस से भी ज़्यादा से ज़्यादा बम्पर वोटिंग कराएं, और फर्स्ट टाइम वोट करने वाले वोटर्स मतदाताओं से वोटिंग है वो ज़रूर कराएँ। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर ये आंकड़े आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये फलोदी सट्टा बाजार ने दिए हैं और वही मैंने आपको बताए हैं, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई है वो जोड़ घटाव नहीं किया है। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन है वो ज़रूर दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो, नई अपडेट, नई न्यूज़, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।